नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मंत्री परिषद पुनर्गठन के प्रसंग से। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली मंत्री परिषद पुनर्गठन करते 3 जना उप प्रधानमंत्री बनाब जा रहा है। प्रधानमंत्री ओली हाल मंत्री परिषद में रहल 4 मंत्री बाहेक सबके हटाब जा रहा है। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ और भौतिक पूर्वाधार मंत्री वसंत नेमवांग बाहेक सब मंत्री बाहर हो वाला है। प्रधानमंत्री ओली जनता समाजवादी पार्टी जसपा के 8 मंत्री आ 2 राज्य मंत्री तथा एमाले के 2 मंत्री के शपथ कराब के तैयारी कर रहा है। शपथ आई रात 8 बजे के लिए कहल गेल। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल उप प्रधानमंत्री बन जा रहा है। 2 नया मंत्री से उप प्रधानमंत्री के शपथ ले। जसपा के नेता राजेंद्र महतो शहरी विकास मंत्रालय के साथे उप प्रधानमंत्री बनकर शपथ लेता। एमाले के रघुवीर महासेठ उप प्रधान सहित परराष्ट्र मंत्री बन जा रहा है। ऐसे पहिने सरकार में ईश्वर पोखरेल मात्र उप प्रधानमंत्री छला। मंत्री सबके शपथ साँझ 7 बजे के लिए एखन कहल गेल। ऐसे पहले आइए 6 बजे के लिए कहल गेल छल। जसपा के 8 सहित एमाले के महासेठ आ शेर बहादुर तामांग मंत्री पद के शपथ लेत। जसपा से सरकार में नेतृत्व कर जा रहल राजेंद्र महतो उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री बनता। जसपा स्रोतक अनुसार वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के नेतृत्व में उप प्रधान तथा शहरी विकास शरद सिंह भंडारी, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय अनिल कुमार झा खाने पानी, लक्ष्मण लाल कर्ण के भूमि सुधार तथा व्यवस्था, विमल श्रीवास्तव के श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय आ उमाशंकर अरगरिया के वन तथा वातावरण मंत्री देल जात। तहिना इकबाल मियाँ के युवा तथा खेलकूद, चंदा चौधरी के महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, रेणुका गुरुंग के महिला बाल बालिका राज्य मंत्री, चंद्रकांत चौधरी के ऊर्जा राज्य मंत्री देल जात। शेरबहादुर तामांग स्वास्थ्य मंत्री बन जा रहा है। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली एमाले से सरकार में सहभागी भेल पुरान अधिकांश मंत्री के हटाब जा रहा है। शुक्र दिन कैल गेल मंत्रिपरिषद पुनर्गठन में एमाले से पुरान 4 मंत्री के मात्र निरंतरता देल जात। एमाले के शेरबहादुर तामांग स्वास्थ्य मंत्री के रूप में फिर से जिम्मेवारी पाव जा रहा है। मंत्री रहल समय बांग्लादेश में MBBS अध्ययनरत छात्रा सब के संदर्भ में विवादित अभिव्यक्ति दिला से ओ तहिया राजीनामा देने छला। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष महंत ठाकुर पक्ष संघीय सरकार में शामिल होब जा रहल समय दोसर अध्यक्ष उपेंद्र यादव से हो प्रदेश 2 के मंत्रिपरिषद हेरफेर कर गृह कार्य शुरू कला। वही के लेल यादव कांग्रेस माओवादी केंद्र आ एमाले के माधव नेपाल पक्ष संग छलफल शुरू कलन। अध्यक्ष उपेंद्र यादव काल मात्र कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा संग छलफल कने छला। आई ओ पार्टी के उपाध्यक्ष विमलेंद्र निधि संग छलफल कलन। कांग्रेस पार्टी में छलफल कर निर्णय लेबाक अध्यक्ष यादव के जवाब दिलक। प्रदेश 2 के सत्ता समीकरण संदर्भ में नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेंद्र निधि आ जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव बीच आई छलफल भेल। आई निधि निवास में विमलेंद्र निधि आ उपेंद्र बीच छलफल भेल। स्रोतक अनुसार निधि यादव संग कांग्रेस संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव के मुख्यमंत्री बनाब के अड़ान रखने छला। लेकिन उपेंद्र यादव राउत नेतृत्वक सरकार में पहले कांग्रेस के सहभागी होब आग्रह कलन। बाद में ओ के बारे में विचार कैल जात बतौलन। यादव शनि दिन अपना जनकपुर जा रहल बतबैत जनकपुर से फिरता अला बाद फिर से छलफल करबाक बतौलन। उपेंद्र आ विमलेंद्र बीच प्रदेश 2 के नामकरण आ राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में सेहो छलफल भेल छल। प्रदेश 2 में जसपा नेतृत्वक सरकार रहल अछि। पूर्व राजपा के 3 जना मंत्री आ 3 राज्य मंत्री रहल अछि त पूर्व समाजवादी के मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री आ 3 राज्य मंत्री रहल अछि। पूर्व राजपा के 2 मंत्री राम नरेश राय यादव आ नवल किशोर शाह उपेंद्र यादव के पक्ष में एखन अला अछि। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध के मुद्दा शुक्र दिन हृदय हृदय में राखल गेल। सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास में सुनवाई प्रारंभ भेल नागरिकता पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 विरुद्ध के मुद्दा के बाकी सुनवाई के लेल दोसर पेशी 27 जेठ के लेल तोकल गेल। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णु कुमार गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी लगायत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय आ राष्ट्रपति कार्यालय के विपक्षी बनबित अध्यादेश विरुद्ध रीट दायर कल गया छल। 6 रीट देख प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा के नेतृत्व में वरिष्ठता के आधार में इजलास गठन भेल।
बजट वक्तव्य के बुदा नंबर 199 बदर कर मांग सहित सर्वोच्च अदालत में रीट पेश कैल गेल अछि। अध्यादेश मार्फत जेठ 15 गते संघीय सरकार प्रस्तुत केने बजट वक्तव्य के बुदा नंबर 199 में वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार में खनिजन्य पत्थर बालू गिट्टी निकासी कर व्यापार घाटा न्यूनीकरण कैल जात कहल गेल अछि। निकासी कर जाय वाला खनिजन्य निर्माण सामग्री के परिवहन के लेल उद्योग से निकासी बिंदु धरि रोपवे निर्माण कर आयात में लागवला भंसार महसूल में छूट देबाक मिलाओल गेल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी चूरे क्षेत्र के वातावरण विनाश के रोक एहि क्षेत्र के वातावरण संरक्षण प्राथमिकता में राखि कऽ आवश्यक बंदोबस्त कर अदालत से आदेश के मांग कयलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय आ वन तथा वातावरण मंत्रालय के विपक्षी बनाकर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी शुक्र दिन रीट पेश कयलनि अछि। एखन रीट दर्ता होबय बाकी रहल ओ जानकारी देलनि। रीट में चूरे क्षेत्र के वातावरण संरक्षण के साथे ओहि क्षेत्रक जैविक विविधता, प्राकृतिक संपदा, जल भंडारण इत्यादि के संरक्षण कर दीर्घकालीन योजना निर्माण के लेल सरकार वाला समेत संलग्न विशेषज्ञ सबके एक समिति गठन समेत मांग कयल गेल अछि। मुद्दा के अंतिम फैसला नहीं आबय धरि ई मुद्दा कार्यान्वयन नहीं कर वा कराब रीट निवेदक अंतरिम आदेश सेहो मांग कयलक अछि। सरकार जर्मनी स्थित नेपाली दूतावास के घर जगह बिक्री करय लागल अछि। मंत्रिपरिषद के निर्णय सब सार्वजनिक करैत ई जानकारी कराओल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्रालय के सिफारिश में राजदूत नियुक्ति संबंधी कार्यविधि सेहो संशोधन कर के निर्णय कयल गेल अछि। 2075 साल में आनल गेल ई कार्यविधि अनुसार राजदूत नियुक्ति कयला परराष्ट्र सेवा से कमती में 50% होबय जकाँ नियुक्ति कर के प्रावधान हटाओल गेल अछि। सरकार एखन 11 देश के राजदूत नियुक्त केला परराष्ट्र सेवा से 2 जना समेट कर 9 जना के गैर परराष्ट्र सेवा से नियुक्ति के लेल सिफारिश केने छल। तहिना सरलाही जिला कौड़ेना गांवपालिका समेत के 11 औद्योगिक ग्राम सब घोषणा कयल जा रहल अछि। नेपाल सरकार के स्वामित्व में रहल जर्मनी के बोन स्थित घर जगह बिक्री कर के सेहो निर्णय कयल गेल अछि। नेपाल सरकार आ भारत सरकार बीच रासायनिक मल के आयात के लेल सरकार प्रक्रिया यानी G2G प्रक्रिया मार्फत खरीद आगा बढ़ेबाक स्वीकृति देल जा रहल अछि। नेपाल नागरिकता दोसर संशोधन नियमावली 2078 के सेहो स्वीकृति देल गेल अछि। वासिन सीमेंट नारायणी प्राइवेट लिमिटेड के उत्खनन करय के लेल धादिंग में कुल जम्मा 4.98 हेक्टर राष्ट्रीय वन के क्षेत्र 20 वर्ष धरि के लेल प्रयोग करय के सेहो स्वीकृति देल गेल अछि। ओतय रहल 312 रुख पोल सब सेहो हटाब के अनुमति देल गेल अछि। पछिला 24 घंटा में देश भरि थप 101 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमाबय वाला के संख्या 7731 पहुँचल अछि। देश भरि थप 6653 कोरोना संक्रमित पछिला 24 घंटा में थपायल अछि। मंत्रालय के अनुसार 20813 परीक्षण कयल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 14182 PCR परीक्षण में 4624 आ 6631 एंटीजन परीक्षण में 2029 संक्रमित भेटल अछि। तहिना पछिला 24 घंटा में देश भरि 8663 कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 97699 सक्रिय संक्रमित अछि। देश भरि कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 581560 पहुँचल अछि, जाहिमे सँ 476130 संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 मे पछिला 24 घंटा में 367 कोरोना संक्रमित थपायल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सबसे बेसी धनुषा में 145, बारा में 82, सरलाही में 71, सप्तरी में 20, परसा में 19, महोत्तरी में 12, रौतहट में 11, सिरहा में 2 आ अन्य प्रदेशक 5 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 33981 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में पछिला 24 घंटा में 48 संक्रमित के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमाबय वाला के संख्या 769 पहुँचल अछि। तहिना 22810 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 10015 सक्रिय संक्रमित अछि। नेपाल सरकार COVID-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी केने संगे COVID-19 संक्रमण विरुद्ध लड़क लेल नया प्रशासनिक संरचना बनल अछि। बीतल जेठ 6 गते जारी भेल अध्यादेश में COVID-19 संक्रमित के निदान उपचार के लेल केंद्रीय अस्पताल संचालन करय के व्यवस्था कयल गेल अछि।
अही व्यवस्था अनुसार काठमांडू के वीर अस्पताल के एखन कोविड 19 यूनिफाइड केंद्रीय अस्पताल बनाओल गेल अछि। अध्यादेश में कहल गेल अनुसार अस्पताल संचालन के लेल एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त करे के व्यवस्था अछि। साथे सरकार प्रोफेसर डॉक्टर जागेश्वर गौतम के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बना कऽ पठौलक अछि। डॉक्टर गौतम के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनौला पर वीर अस्पताल पठौला बाद विवाद उत्पन्न भेल अछि। डॉक्टर गौतम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भऽ कऽ वीर अस्पताल गेला बाद नियमित निर्देशक के रूप में काज कऽ रहल डॉक्टर शांता सापकोटा छुट्टी लऽ कऽ बैसली अछि। एहि संदर्भ में कोविड 19 यूनिफाइड केंद्रीय अस्पताल के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डॉक्टर जागेश्वर गौतम एहि विवाद के विषय में बतौलने अछि। वीर अस्पताल यूनिफाइड अस्पताल रूप में रूपांतरण भऽ चुकल कहैत अपना प्रमुख रहल बतौलनि। सरकार दोसर के नियुक्त नहि करऽ धरि अथवा अध्यादेश क्रियाशील रहल समय वीर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर जागेश्वर गौतम अपने रहता बतौलने अछि। अध्यादेश मार्फत कोविड 19 यूनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल को व्यवस्था गरेको छ। त्यो कुनै नयाँ अस्पताल नबनाएर अहिले वीर अस्पताललाई त्यो अस्पतालको रूपमा परिवर्तन गरेको छ। नम्बर एक, त्यो चाहिँ यूनिफाइड कोविड 19 जुन अस्पताल छ केन्द्रीय अस्पताल, त्यो अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी तोक्छ, जुन मलाई तोकेको छ हैन, र उसलाई सम्पूर्ण प्रशासनिक आर्थिक अधिकार दिइएको छ। र यो न्याम्समासँग थियो, न्याम्ससँगको सम्बन्ध अहिले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको सम्बन्ध शैक्षिक गतिविधिको लागि समन्वय गर्ने छ। सरकार के ने निर्णय के नै मान विवाद सृजना करैत मीडियाबाजी नै कर डॉक्टर गौतम आग्रह कयलनि अछि। नियमित निर्देशक रहल डॉक्टर सापकोटा के पद एखन नै रहल कहैत विवाद में नै पड़ ओ आग्रह कयलनि। ललितपुर महानगरपालिका कोविड 19 के संक्रमण से निधन भेल व्यक्ति के परिवार के 1,00,000 रुपया सहयोग प्रदान कर के निर्णय कलक। शुक्रदिन कोविड 19 विषय के पत्रकार सम्मेलन करत ललितपुर महानगरपालिका के प्रमुख चिरी बाबू महर्जन ललितपुर महानगरपालिका में स्थायी वसवास करे वाला व्यक्ति के कोविड 19 संक्रमण भ उपचार के क्रम में जान गेला पर व्यक्ति के परिवार के महानगरपालिका प्रति मृतक 1,00,000 रुपया सहयोग कर के निर्णय कने बतौलने। तहिना आईसीयू तथा वेंटिलेटर में उपचार करा कर नीक भेल के जनहि 50,000 रुपया आ अस्पताल भर्ना भ क कोविड 19 जीतल के जनहि 25,000 रुपया प्रदान कयल जात जानकारी देलन। ओ महानगरपालिका ऑक्सीजन सहित के अत्याधुनिक आइसोलेशन सेंटर संचालन कर रहल बतौलने। सुनाकोटी स्थित नेपाल युथ फाउंडेशन को पोषण पुनर्स्थापन गृह में एसडीयू हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट सहित को 50 सैया को आइसोलेसन सेंटर बाद संक्रमित सेवा प्राप्त करी। वडा नंबर 4 स्थित बागदोल में रहकर ज्यापू समाज को वृद्धाश्रम आनंद निकेतन भवन में संचालन कर 110 सैया को आइसोलेसन सेंटर में एसडीयू लगायत अन्य स्वास्थ्य सुविधा थप करने महानगर ने तैयारी गरेको छ। यी आइसोलेसन सेंटर में मनोसामाजिक परामर्श को समेत व्यवस्था छ। पोषण बीट को सलाह अनुसार आइसोलेसन सेंटर में पौष्टिक र संतुलित खाजा र खाना को निःशुल्क व्यवस्थापन गरिएको छ। स्थानीय सरकार नागरिक को नजिक को सरकार हो। नागरिक को जीवन में आईपर्ने प्रत्येक सुख दुख का साक्षी हामी छौं। तसर्थ कोविड दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएपछि कोविड संक्रमित भई उपलाई 25,000 प्रदान गरिनेछ। नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित महानगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको मिति 2078 जेठ 20 गतेको बैठकले कोविडका कारण ज्यान गुमाएका परिवार र कोविड प्रभावितहरूका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सहयोग महानगरपालिकामा
स्थायी बसोबास गरेका नागरिकका लागि प्रदान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसका लागि सिफारिस पत्र लगायतका आवश्यक कागजपत्र आवश्यक पर्नेछ। यसै गरी प्रत्येक वडामा पीसीआर र महानगरपालिकासँग सहयोग लेबक लेल सिफारिस पत्र लगायत आवश्यक कागजपत्र जरूरी रहल बताओल गेल अछि। महानगर भीतर के प्रत्येक वार्ड में पीसीआर आ एंटीजन परीक्षण के व्यवस्था कयल गेल प्रमुख महर्जन बतौलने। आई छुआछूत विरुद्ध के राष्ट्रीय दिवस 2063 साल जेठ 21 गते नेपाल के जातीय छुआछूत राष्ट्र घोषणा कयल गेल छल। अही दिन के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनबैत आबि रहल अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ला के कारण वर्चुअल छलफल आ अनौपचारिक रूप में कार्यक्रम कयल गेल अछि। नेपाल के वर्तमान संविधान के प्रस्तावनाए में सब किस्म के जातीय छुआछूत के अंत करैत सामाजिक न्याय के रास्ता में जेबाक संकल्प कयल गेल अछि। यह संविधान में राष्ट्रीय दलित आयोग के संवैधानिक आयोग के हिसाब से व्याख्या सेहो कयल गेल अछि। एहि के अलावा जातीय भेदभाव तथा छुआछूत कसूर आ सजाए एन 2068 क्रियाशील अवस्था में अछि। राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष देवराज बिक जातीय भेदभाव तथा छुआछूत कसूर आ सजाए एन के संशोधन कर आवश्यक रहल बतौलने अछि। एन में दलित व्यक्ति या समुदाय ऊपर हो वाला कोनो किस्म के अपमान अवहेलना अपराध जन्य काज के निवेदन प्रशासन से अनिवार्य लेबाक आ ओहन निवेदन के हद म्याद लागू नहीं होब के व्यवस्था कर मांग कलन ये पनि देखिराखेको स्थिति छ र कतिपय सन्दर्भमा मानव भित्र दानवीय प्रवृत्ति कता यदा कदा देखिन्छ र त्यो प्रवृत्तिका कारणले कतै संगठित रूपमा पनि त्यो देखिएको स्थिति देख्छौँ। जस्तो रुकुममा भएको घटनालाई हामी त्यो संगठित रूपमा भएको अपराधका रूपमा हामीले त्यसलाई चित्रित गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले सचेत मान्छेहरूले यसलाई गर्न हुँदैन, यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर सोचिराखेको र यसलाई अभ्यासका रूपमा ग्रहण गरिराखेको स्थिति छ भने कतिपय खराब चरित्र खराब सोच भएका मान्छेहरूले यसलाई राखिराख्नुपर्छ, यो हाम्रो यो जोगाउनु पर्ने कुरा हो र हामी ठुलो देखिनका लागि अरूलाई शोषण दमन गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय मान्छेहरूमा त्यो सोच नकारात्मक सोच भएको कारणले यदा कदा त्यो देखिने स्थिति बनेको छ। र अध्यक्ष बिक एखन जातीय विभेद नै कर विषयमे प्रचार प्रसार भ रहल कहैत यदा कदा विभेद के घटना भ रहल बतौलनि। नेपाली समाज विभेद करनाय खराब रहल धीरे धीरे बुझैत जा रहल आ एकरा हटाबक लेल लोकसभ आगा आबि रहल सेहो बतौलनि। वो आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट दलित मैत्री रहल टिप्पणी कलने अछि। बजट दलित के परंपरागत सीप आ क्षमता के आधुनिकीकरण कर आ सांस्कृतिक रूप से आगा बढ़ौने पेशा के आधुनिकीकरण कर सहयोग कला से ऐसे दलित समुदाय के फायदा हैत बतौलने अछि। दलित समुदाय के एक बेर के लेल आवास आ जमीन के व्यवस्था कर संविधाने में भेल प्रावधान अनुसार भूमिहीन दलित के जगह उपलब्ध करबाक संबंध में भूमि आयोग संग राष्ट्रीय दलित आयोग निरंतर छलफल कर रहल सेहो अध्यक्ष बिक जानकारी देलनि अछि। रौतहट में एक दलित युवक के सार्वजनिक स्थल में बांधि कर पीटपाट के घटना में संलग्न तीन जना के प्रहरी पकड़लक अछि। मारपीट के वीडियो शुक्र दिन सामाजिक संजाल में वायरल भेला बाद आई भोरे राजदेव गिरी सहित तीन जना के पकड़ल गेल। रौतहट के प्रहरी उपरीक्षक SP सिद्धि विक्रम शाह जानकारी देलने अछि। हुनक अनुसार एखन पीड़ित पक्ष के जाहिरी नै आयल अछि। जाहिरी के आधार में तीनों जना के कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जात। गाँवे के एक युवती के प्रेम पत्र पठौने आरोप में रौतहट के दुर्गा भगवती गांव पालिका 5 के विकास पासवान के बृहस्पति दिन सार्वजनिक स्थल में बांधि कर निर्घात मारपीट कयल गेल छल। घटना के वीडियो एखन सामाजिक संजाल में वायरल भेल अछि।
बालिका अपहरण के आरोप में सप्तरी प्रहरी एक के पकड़लक। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका दू के 14 वर्षक बालिका के मोटरसाइकिल में लो जायत काल स्थानीय 37 वर्षक नवीन देव के प्रहरी पकड़लक। बालिका के अपहरण क के लो जा रहल परिवार प्रहरी के जानकारी करौने छल। लगले प्रहरी नवीन के पकड़ कर सप्तरी के प्रमुख एसपी राजेंद्र धमला जानकारी दिलने। आरोपी नवीन हत्या मारपीट लूटपाट लागू औषध लगायत काज में संलग्न रहते आयल बताल गेल। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा अर्याल मल के अभाव नहीं भेल बतौलने। शुक्र दिन कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड में पहुँच कर रासायनिक मल के अवस्था के विषय में अनुगमन केला बाद मंत्री अर्याल खेती के प्रयोजन के लेल मल के अभाव नहीं भेल बतौलने। मल पर्याप्त रहलो पर वितरण में समस्या देखल गेल कहत वितरण के समस्या के सेहो जल्दी से जल्दी समाधान करवाक बतौलन। हाल मल आषाढ़ आ सावन महीना में खेती के लेल प्रयोजन कर के लेल पर्याप्त रहल कहत भादो आ आसिन के लेल मल अनबाक तैयारी भ रहल कहत स्टॉक में नहीं राख किसान सब के आग्रह कलने। रहेछ भन्दा वितरणसित जोडिएर मेरो सम्पूर्ण दाजुभाइ किसान दिदीबहिनीहरूलाई के छ भन्ने कुरा, तपाईँहरू मङ्स भदौमा मल आउँदैन कि असोजमा मल हुँदैन कि भनेर अहिले यो सिजनको निम्ति हामीले प्रबन्ध गरेको वितरणको निम्ति ल्याएको मल आफूलाई आवश्यकभन्दा बेसी राखिदिने अनि त्यसपछि अहिले भर्खरै किसानले नपाउने भोलिको निम्ति साँस दिने। ओ कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड के कृषक के पहचान सहित मल वितरण के व्यवस्था मिलाव निर्देशन समेत दिलने। सहकारी सब दोसर बेर मल लेब अला पर पहिल बेर लौ गेल मल के वितरण मूल्य सूची सहित विवरण मांग केला बादे दोसर बेर देव निर्देशन दिलने। स्थानीय तह के सेहो पत्राचार करत मल स्टॉक में नहीं राख अनुरोध कर के मल आपूर्ति आ वितरण संग जोड़ल कर्मचारी के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना करत निरंतर सेवा प्रदान में खटाव सेहो निर्देशन दिलने। ओ कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड आ साल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के आपूर्ति आ विवरण के दैनिक विवरण कृषि मंत्रालय में पठाव सेहो निर्देशन दिलन। पहचान सहित वितरण के व्यवस्था फेरि दोस्रो पटक माग्न आउँदा उहाँहरूसँग के लिन पर्यो भने अघिल्लो पटक लगेको मल कसरी वितरण भयो त्यो वितरण भएको सूची सहित वितरण भएको परिणाम सहित मूल्य सहित खुल्ने खालको डकुमेन्ट सहित दोस्रो पटक माग गर्ने, अगाडि ल रजिस्टर गर्ने वितरण नगर्ने किसानले नपाउन फेरि दोस्रो लिन आउने भइन्। त्यसैले सहकारीहरूबाट गएका मल पनि ठिक ढङ्ग कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड हाल रासायनिक मल यूरिया 20,086.95 मेट्रिक टन, डीएपी 39,286.68 मेट्रिक टन, पोटास 4,146.65 मेट्रिक टन आ कृषि चून 444.57 मेट्रिक टन मौजूदत रहल बतौलक। तहिना साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन संग हाल रासायनिक मल यूरिया 15,204 मेट्रिक टन, डीएपी 14,444 मेट्रिक टन आ पोटास 3,896 मेट्रिक टन मौजूदत रहल जानकारी दिलक। तहिना रासायनिक मल यूरिया 65,000 मेट्रिक टन असार महीना भित्रे प्राप्त हेबाक जानकारी कराओल गेल। आब खेल समाचार। फुटबल विश्वकप 2022 आ एशियन कप 2023 के संयुक्त छनोट अंतर्गत बृहस्पति के खेल में नेपाल चाइनीज ताइपे विरुद्ध के खेल में 2-0 से जीत निकाललक। युवा खिलाड़ी सब समेटल गेल टोली प्राप्त केने नतीजा से नेपाल के एशियन कप छनोट के तेसर चरण में प्रवेश कर के संभावना एखनो जीवित रहल। घरेलू मैदान दशरथ रंगशाला में होबय वाला चाइनीज ताइपे विरुद्ध के खेल में नेपाल बृहस्पति दिन तटस्थ स्थल कुवैत के जाबेर अहमद अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में खेलने छल। इराक संग के मैत्रीपूर्ण खेल में हार भेल टोली आई खेल में सुधार अन्य राष्ट्रीय टोली के रक्षक विक्रम लामा जानकारी दिलन। आई से पहिने के खेल में नेपाल रक्षात्मक खेल खेल के रणनीति अपनौने छल लेकिन बृहस्पति के खेल में नेपाल अटैकिंग रणनीति बनाकर खेल खेलने
थापा बताउनु लामा बताउनु एकदम खेल्यो खेल्यो त्यसमाथि पनि हामीले बल पनि आफ्नो नियन्त्रणमा सक्दो राख्ने कोसिस गरेको थियौँ. यसको मतलब के हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर प्लान एउटा कोचको एउटा प्याटर्न पर्टिकुलर प्लानमा चाहिँ केटाहरूले एडजस्ट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ हेर्दाखेरि हामी सामान्यतया. सो टेक्निकल्ली ट्याक्टिकल्ली र प्लान वाइज पनि हिजो राम्रो खेल्यौँ हामीले र अलिकति उत्कृष्ट खेलेर नै जित्यौँ भनौँ न. समूह बी में दोसर जीत बाद नेपाल के छ खेल से छ अंक रहल अछि. पहिने नेपाल चाइनीज ताइपे विरुद्ध तीन अंक जोड़ने छल. नेपाल आब जेठ 24 गते जॉर्डन आ जेठ 28 गते ऑस्ट्रेलिया संग प्रतिस्पर्धा करत. बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन. नमस्कार.